तो यहाँ हम dy by dx फाइंड करेंगे, हमें एक रिलेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो हमें y का एक्सप्रेशन गिवन है वो कैसा एक्सप्रेशन है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक हो सकता है बाई यूजिंग द चेन रूल, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस का कंपोजिशन हमें नज़र आ रहा है, कौन कौन सा, एक है cos इनवर्स और उसके अंदर प्रेजेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसे चेन रूल से सॉल्व करने के लिए सोचें तो सबसे पहले हमें cos इनवर्स का करना होगा। cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वहाँ x नहीं लिखना है, वहाँ क्या लिखना होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर भी करना होगा बाद में, है ना। आफ्टर दैट फिर हम इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें लगाना होगा डिवीजन रूल, ठीक है। तो मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी इसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होगा कि हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए। याद होगा चैप्टर 2 में मैंने आपसे कहा था कि सिंप्लीफिकेशन ना कि केवल चैप्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 और इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना ही ज़्यादा सूटेबल है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करते थे अगर हम रिकॉल करें, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से पॉसिबल होते थे। एक, जब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ट्रिग्नोमेट्री गिवन होता था तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर लिया करते थे, और एक जब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विद एल्जेब्रिक होता था तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते थे। एक सही सब्स्टिट्यूशन एक सही अप्रोच को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विद एल्जेब्रिक है तो एक सही सब्स्टिट्यूशन करना होगा, उसके लिए क्या करें हम, कोई बता सकता है? हमारे पास एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ x इक्वल्स टू tan थीटा लेने से बात बनेगी। क्यों बनेगी, इस बात को समझते हैं। जब यहाँ tan थीटा रखेंगे तो मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर आप क्लास 11 के बेसिक फॉर्मूलास को रिकॉल करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर cos का टर्म आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, cos इनवर्स, बाहर cos इनवर्स अंदर cos का टर्म, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए x इक्वल टू tan थीटा इज़ द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हियर। तो y इज इक्वल्स टू बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ इट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। नाउ अब यहाँ पर हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो याद होगा मैंने बताया था कि जब बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री होता है तो हम यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि ये जो इनपुट है ये cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है या नहीं। तो हमें चेक करना होगा कि 2 थीटा इज एग्जिस्टिंग इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स और नॉट। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम ध्यान दें कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू tan थीटा और x का डोमेन हमें गिवन है, दैट इज व्हाट, 0 टू 1। तो लेट्स सी, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सो tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। tan थीटा कैसे आया, x को tan थीटा माना हुआ है तो इसलिए x की जगह tan थीटा रख दिया। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 टू 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4। जीरो थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाय 4, तो 2 थीटा विल बिलोंग्स टू व्हाट, या 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2। तो ये जो 2 थीटा आया ये आया है फ्रॉम द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 ओपन, और क्या ये इंटरवल cos इनवर्स के रेंज का सबसेट होता है, cos इनवर्स का रेंज होता है 0 टू पाई, तो यस दिस इज द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ cos इनवर्स, और क्योंकि ये cos इनवर्स के रेंज में सबसेट है दैट्स व्हाई मैं इस एक्सप्रेशन को किसे
y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ, फाइनली टू थीटा लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, तो क्योंकि मैंने x इक्वल टू टेन थीटा एज्यूम किया था, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर जाके हमारे पास y की वैल्यू आती है टू टेन इनवर्स x। अभी तक डेरिवेटिव का कुछ भी नहीं किया है, ये जो कुछ भी है इट इज़ बिलोंग्स टू चैप्टर टू सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट है ये टू टेन इनवर्स x, ठीक है। अब बात आएगी डेरिवेटिव की, तो यहाँ से अगर हमें y डैश निकालना है तो y डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, टू इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज़ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो y डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।